नमस्कार छात्रों, मैं आपके अर्थशास्त्र का शिक्षक मनीष कुमार ग्यारहवीं कक्षा के लिए अर्थशास्त्र के पाठ्य पुस्तक से पाठ सात लेकर आया हूं। जैसा कि पाठ सात पिछली बार भी हमने पढ़ाया था, उसका पहला भाग को, ये दूसरा भाग है। पाठ सात में आपको बिंदु रेखीय प्रदर्शन को पढ़ना था, जिसमें पहले इसके पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ाया था कि बिंदु रेख क्या है। अब हम इस बात को पढ़ेंगे कि बिंदु रेख कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें बिंदु रेख दो प्रकार के हैं, ये याद रखना होगा। ये अब लघु उत्तरीय में पूछेगा कि बिंदु रेख कितने प्रकार के हैं, तो दो तरह के, काल श्रेणी बिंदु रेख, इसको हम टाइम सीरीज ग्राफ्स कहते हैं, और आवृत्ति वितरण बिंदु रेख, जिनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ्स कहते हैं। अब इसको हम यहाँ फिगर से भी दिखा दिए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। काल श्रेणी बिंदु रेख में हम क्या करते हैं कि मूल्यों को समय के आधार पर रखते हैं। तो मूल्य को समय के आधार पर, जैसे इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि विभिन्न वर्षों में जनसंख्या की मात्रा, तो समय के आधार पर रखें, एक तरफ समय, दूसरी तरफ जनसंख्या। यानी 1991 में कितनी जनसंख्या थी, 1992 में कितनी थी, 1993 में कितनी थी, ये इस तरह के आंकड़े हम प्रदर्शित करते हैं काल श्रेणी में, और इसी को फिर हम बिंदु आरेख पर रख देते हैं। अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि यहां समय जो है वो स्वतंत्र चर है और जनसंख्या उस पर आश्रित चर है। तो स्वतंत्र चर को सांख्यिकी नियम के तहत हम x एक्सिस पर रखेंगे, और आश्रित चर जो जनसंख्या है उसको हम y एक्सिस पर रखेंगे। अब इसका बनाने का ग्राफ पर ये रखने का ये मेथड है। अब ये ध्यान दें कि काल श्रेणी, ये भी थोड़ा याद रखना होगा आपको कि काल श्रेणी रेखा चित्र को जो है, क्योंकि दो माप है, एक प्राकृतिक और एक अनुपातिक माप। अब प्राकृतिक माप के आधार पर हम निरपेक्ष परिवर्तनों को तथा अनुपातिक पर सापेक्ष परिवर्तन को दिखाते हैं। क्या क्या याद रखना है, दो प्रकार के माप हैं, प्राकृतिक और अनुपातिक। प्राकृतिक में हम क्या ध्यान दें, तो प्राकृतिक में निरपेक्ष और अनुपातिक में सापेक्ष। यहां पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आपको पढ़ना है निरपेक्ष परिवर्तन को। तो निरपेक्ष परिवर्तन को हम देखते हैं, तो निरपेक्ष कालिक चित्र के अंदर तीन प्रकार के हैं, एक चर के रेखा चित्र, दो या दो से अधिक चर के रेखा चित्र, और विभिन्न मापदंडों के रेखा चित्र। जैसा कि नाम है कि एक चर के रेखा चित्र, तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें समय के आधार पर एक ही चर रखा जाता है। यानी हम इसको ये इस तरह से कह सकते हैं कि समय के आधार पर जनसंख्या, या यहां पर इस आंकड़े में देखिए कि समय के आधार पर जो है उत्पादन को रखा गया है। 87-88 में कितना है, 88-89 में कितना है, 89-90 में कितना है, 90-91 में। नीचे उत्पादन दिया हुआ है इनका, कि ये उत्पादन है। अब इसी को हम ग्राफ पर रख देंगे। ग्राफ हम क्या बतलाए थे, स्वतंत्र चर को x एक्सिस पर और जो है आश्रित चर को y पर। तो यहां स्वतंत्र कौन हुआ, वर्ष, और आश्रित कौन हुआ, उत्पादन। अब हम विभिन्न वर्षों के उत्पादन को हम देखें, यहां पर हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी इस मात्रा के अनुसार हम रख देते हैं कि ये कितना है। तो हाईएस्ट पॉइंट हम देख रहे हैं 55, तो 60 तक अगर हम y एक्सिस को ले तो हमारा सारे आंकड़े इसमें आ जाएंगे 10-10 के अंतराल पर। तो 87-88 में 46.2 है, तो देखिए 50 से नीचे और 40 से ऊपर हमने 46.2 लिया है। ग्राफ पर साफ पता चल जाएगा कि 46.2 कहां कैसे आता है। इसके बाद 88-89 54.1, यानी ये 60 और 50 के बीच में आ रहा है, ग्राफ के लकीरों से वो पकड़ा जाएगा। इस तरह से हम इनका बिंदु ग्राफ के लकीरों पर पैमाना के आधार पर हम देते जाएंगे। उसके बाद इन सारी बिंदुओं को मिला देंगे। मिला देंगे कैसे, इसमें ध्यान देना है, वक्र से नहीं बल्कि सरल रेखा से मिलाएंगे। एक बिंदु से दूसरा बिंदु के बीच में एक सरल रेखा होगा, फिर दूसरे से तीसरे के बीच में एक सरल रेखा होगा। इस प्रकार जो चित्र बन के आएगा वो एक रेखीय चित्र कहलाएगा, यानी एक रेखीय बिंदुआरेख कहलाएगा। अब कृत्रिम आधार पर देखें, कृत्रिम आधार में बस एक चीज ध्यान देना है, जब चर का जो है सबसे छोटा मूल्य इतना बड़ा हो कि हमको ग्राफ पेपर पर बहुत लंबी दूरी लेनी पड़े, यानी ग्राफ पेपर उसके लिए यथेष्ट नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं कि हम ओवाई एक्सिस पर मूल्यों के लिए ओवाई एक्सिस को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद उसमें यह ध्यान दीजिए कि दोहरी आड़ी रेखाओं द्वारा उस भाग को दर्शाया जाता है। जैसे यहां पर देखिए, यह तोड़ दिया गया है ओवाई एक्सिस पर, और दोहरी आड़ी किस प्रकार का होगा, जैसे मकान बनाते समय आप देखे होंगे कि मकान में अन्य कोई आगे फिर दीवार जोड़ना है तो उसके लिए दाढ़ा छोड़ दिया जाता है ताकि दूसरा ईटा जो जुटे वो उसमें सेट कर जाए। ठीक इसी तरह से ये है, यानी ये दिखा रहा है कि ये इसी से जुड़ेगा, इसको सटा दीजिएगा तो ये जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या है, ये ध्यान दीजिए, यहां पर ये पहले ही आंकड़ों को देख लीजिए, इसमें ये समझ में आपको अच्छी तरह आ जाएगा। इन आंकड़ों में देखिए, सबसे जो छोटा मूल्य है वो 3962 है। अब 3962 आप कितना अंतराल लीजिएगा कि 3962 पर आप पहुंचिएगा, तो ग्राफ पेपर छोटा पड़ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको तोड़ देते हैं, और सबसे छोटा मूल्य हम 5-500 के अंतराल पर रखते हैं। ये ध्यान दीजिए, फिर भी
अंतराल कितना बन रहा है वाई एक्सिस पर, 5500 का, ये देखिए 3.5 से हमने लिए। 3500 क्यों लिए, क्योंकि सबसे छोटा मूल्य है 3962। अगर 3.5 से 4 करते हैं तो उसमें ये मूल्य मेरा आ जाता है। सबसे ऊंचा कितना है तो ये देखिए 9220, यानी हम इसको 9500 तक ले जाएं तो ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से ये देखिए यहां पर रखा हुआ है, ये विभिन्न वर्षों में विदेशी मुद्रा भंडार को दिखाया गया है। ये देखिए 3500, तो हमने 3500 से स्टार्ट किया, यहां पर तोड़ दिया जीरो के बाद, और उसके बाद 3500 से स्टार्ट किया। इसके बाद 85-86 में 6520 था, तो 6500 से थोड़ा ऊपर, 86-87 में 6574, तो उसी आधार पर हम यहां बिंदु दिए। और विभिन्न वर्षों में जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसका बिंदु देते गए, और बिंदु देने के बाद वही प्रक्रिया अपनाए जो प्रथम बहुरेख में, जो बिंदु रेख में अपनाए थे, यानी रेखाओं से इनको हम, विभिन्न रेखाओं से इनको हम जोड़ दिए, है ना। यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा, दूसरे से तीसरे तक दूसरी रेखा। चलें नेक्स्ट, चलें दो या दो से अधिक चर, इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो चर को एक साथ दिखाते हैं। तो दो चर को एक साथ दिखाते हैं तो दोनों चर के लिए अगर आप बिंदु रेख बनाइएगा तो उन रेखाओं में अंतर होना चाहिए ना, कि कौन किसका है। मान लेते हैं कि यहां पर आंकड़े में दिखाया जा रहा है उत्पादन और बिक्री, तो एक आरेख बनाइएगा उत्पादन का, दूसरा बिक्री का, तो दोनों का अगर एक ही कलर रहेगा या एक ही डिजाइन रहेगा तो आप ग्राफ पर कैसे पहचान पाइएगा कि उत्पादन का कौन है और बिक्री का कौन है। तो इसके लिए देखिए इस तरह का एक उत्पादन का इस लाइन से और बिक्री का ये डॉट डॉट से दिखा दिया। बाकी जो आप एक चर में जो जैसे आप बिंदु देते गए थे वैसे बिंदु दे करके इनको भी आप मिला दीजिए। अब यहां देखिए, मान लेते हैं कि उत्पादन है जनवरी में 5, तो 5 के सामने बिंदु दिए, फरवरी में 7.5, मार्च में 5, अप्रैल में 10, मई में 12.5, ये उत्पादन का लाइन है। इनको एक एक बिंदु से हम फिर मिलाते चले गए, प्रत्येक बिंदु को रेखा से मिलाते चले गए। इसी तरह बिक्री का जनवरी में 7.5, फरवरी में 10, मार्च में, तो ये बिंदुओं का रेखा है, इसको बना दिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कलर दूसरा दे सकते हैं इसके जगह पर, जैसे इसको रेड दिए तो इसको हम ग्रीन दे देंगे और ऊपर लिख देंगे उसका सिंबल कि उत्पादन का रेड वाला और बिक्री का जो है ग्रीन वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं विभिन्न मापदंडों वाला, ये थोड़ा सा समझना होगा। इसमें क्या है कि जब किसी श्रेणी के दो चर मूल्य विभिन्न मापदंडों के आधार पर दिए हुए हैं, मापदंड दो ठो है या मतलब विभिन्न मापदंड है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक चर मूल्य को बाईं तरफ कोटी अक्ष पर तथा दूसरे चर मूल्य को दाहिने तरफ कोटी अक्ष पर लेंगे, यानी दोनों तरफ कोटी अक्ष बनाएंगे, ओवाई दो तरफ आ जाएगा। अब यहां पर यह ध्यान देना है कि दो चर के विभिन्न मापदंडों के आधार पर, तो मापदंड क्या है यह ध्यान दीजिए, विभिन्न मापदंड कैसे हो गए। अब यह देखिए यहां पर आयातित मात्रा तथा उसका मूल्य है, किसी देश की आयातित मात्रा और उसका मूल्य, तो आयातित एक मात्रा है और एक मूल्य है, तो इसके लिए विभिन्न सालों में 91 में 92 में 93 में 94 में 95 में 96 में, तो इसको हमने इस तरह से रख दिया। अब इसमें सबसे पहला हमको काम करना है कि यह देखना है कि सबसे छोटा कौन है इसमें मूल्य, तो मात्रा के अंदर सबसे छोटा मूल्य आपका आ रहा है 180 और मूल्य के अंदर 80, ठीक है। तो अब हम इसको दोनों कोटि अक्ष पर हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो यह ध्यान दीजिए कोटि अक्ष पर एडजस्ट, चूंकि शून्य से बहुत ऊंचा मूल्य है ये, चलते इसमें भी हम जो है इसको तोड़ देते हैं, यानी दोहरी आड़ी रेखा से इसके सहारे इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि एक तरफ हम मात्रा को रख देते हैं और दूसरे तरफ मूल्य को रख देते हैं, तो सबसे पहले दोनों छोटे का अंतर निकाल लेते हैं। तो अंतर कितना है, एक का सबसे छोटा था 180, दूसरे का 80, यानी 100 का डिफरेंस है, तो 100 का डिफरेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में मतलब हम ये करते हैं कि इनको हम 80 से शुरू करते हैं और इसको 180 से शुरू करते हैं और 10-10 के आधार पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं जहां तक ये जाए, यानी इनका हाईएस्ट दोनों का मूल्य जहां तक है उसको हम दिखाते चलते हैं। अब यहां पर आप ये ध्यान दीजिए, इसमें बहुत शांति से इसको देखने लायक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आंकड़ा क्या कहता है। तो आंकड़ा कहता है कि 1991 में मात्रा 200 और मूल्य 100। अब यहां पर आप मिलाइए 1991 में मात्रा को आप इधर दिखा रहे हैं तो 200 और मूल्य 100। अगर आप इस अनुपात में नहीं रखते दोनों का, यानी हर जगह देखिए 100 का डिफरेंस आ रहा है, हर सामने में देखिए 100 का डिफरेंस, आप 100 का डिफरेंस नहीं लिए थे दोनों का अंतर कि सबसे दोनों छोटे मूल्य का अंतर कितना है तो 100 का, तो आप कहीं पर भी देखिए ये 100 का आमने सामने का दोनों
कोटि एक्स पर डिफरेंस 190 है तो 90 है, 230 है तो 130 है, बिल्कुल सही है, समझ रहे होंगे। तो अगर आप इसको ऐसे नहीं रखते तो आपका ये ग्राफ सेट नहीं कर पाता। अब यहां पर ये ध्यान दीजिए, हमारे क्या था पहला, क्या था 1991 में 200 और 100। तो आप ये देखिए 1991 में 200, ठीक है, तो ये 1991 में 200, इधर आपने क्या रखा था इसको मात्रा को, और मूल्य कितना है, तो मूल्य भी देखिए ये 91 ही के ना मूल्य दिखाइएगा, तो मूल्य के लिए आपने ये डॉट डॉट वाला लिया है, तो ये भी यहां इस वाई एक्स पर 200 को टच कर रहा है, लेकिन इसको आप किधर प्रदर्शित किए हैं, तो इधर वाले वाई एक्स पर, यानी इधर वाले कोटि एक्स पर, तो इसको आप मापिएगा इधर से ना, तो इसके सामने यहां देखिए 100 आ रहा है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि 1991 में 200 मात्रा और 100 मूल्य। फिर इसी तरह हम अगला आंकड़ा कर लेते हैं 1992 का, तो 1992 में देखिए 220 और 110 बता रहा है, तो अब हम देखें कि आता है 1992 में मात्रा 220 और ये कितना था मूल्य कितना था, तो 110। अब ये 220 है तो 110 हमको इसको प्रदर्शित करना है, तो 110 हम यहां पर ये इसमें बिंदु दिया है, आप यहां पर गड़बड़ाइएगा और दिमाग में क्या जाएगा कि तो 210 दिखा रहा है, नहीं, ये डॉट वाला को आप इधर से लीजिए, देखिए 110 के सामने, समझ रहे हैं। एक पॉइंट और हम ले लेते हैं कोई, उससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। 94 का हम ले लेते हैं, 94 में 260 और 129, तो आप ये देखिए 94 में मात्रा 260 सही है और जो है मूल्य कितना था, मात्रा 260 और मूल्य 129। अब मूल्य 129 कैसे प्रदर्शित होगा, तो 130 के सामने ही आना चाहिए 94 में, तो ये देखिए 94 है, इसके सामने ये दो डॉट है 260 और 129। अब यहां पर फिर गड़बड़ाने का चांस क्या है कि आप यहां से ना जोड़ ले कि ये 230 ही प्रदर्शित हो रहा है, 129 कहां, लेकिन इसके सामने इधर आइए ये 129, क्योंकि आप मूल्य को इधर दिखा रहे हैं और मात्रा को इधर, तो ये इस तरह से बनता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आवृत्ति वितरण बिंदु रेख ये क्या है, ये ध्यान दीजिए, आवृत्ति वितरण बिंदु रेख में ये जो है ये आंकड़ों के आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करता है, आंकड़ों के आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करता है, इसमें चर के मूल्यों को एक अक्ष पर और आवृत्तियों को बाई अक्ष पर, चर के मूल्यों को एक अक्ष पर और आवृत्तियों को बाई अक्ष पर रखेंगे, तो इसमें चार प्रकार के होते हैं, रेखा आवृत्ति चित्र, आवृत्ति आयत चित्र, आवृत्ति बहुभुज, आवृत्ति वक्र और संचयी आवृत्ति या ओजाई वक्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाई वक्र, क्योंकि इसी के आधार पर फिर इकोनॉमिक्स का डिमांड और सप्लाई का टर्म 12th में आपको बनाया गया है, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें चार हैं सो इजी हैं, थोड़ा ये पांचवा में आपको ये लगेगा, समय लगेगा समझने में। रेखा आवृत्ति चित्र क्या है इसको ध्यान दीजिए, ये प्राप्तांक है, इसमें क्या रखना है, प्राप्तांक है और उसमें आवृत्ति है, यानी 10 अंक पाने वाले चार विद्यार्थी, जो भी है आप ग्राफ से समझ लीजिए और नोट्स में बाद में अपना पढ़ लीजिएगा, हम ग्राफ से आपको समझाते चले जा रहे हैं। प्राप्तांक कितना है 10, 10 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो उनकी आवृत्ति है 4, 11 अंक लाने वाले 10, 12 अंक लाने वाले 20, 13 अंक लाने वाले 26, 14 अंक लाने वाले 20, 15 अंक लाने वाले 15, ये आवृत्ति नीचे वाली होगी सब। अब किसको कहां रखिएगा ये ध्यान दीजिए, तो इसमें पहले यह तय कीजिए कि स्वतंत्र चर कौन है, तो स्वतः आप किसके आधार पर क्या प्रदर्शित कर रहे थे, तो अंक के आधार पर विद्यार्थियों की संख्या, तो आधार कौन बना, तो अंक, और उस पर निर्भर कौन हो गया, तो विद्यार्थियों की संख्या, तो स्वतंत्र चर कौन हुआ, तो अंक, और आश्रित चर कौन हुआ, तो विद्यार्थियों की संख्या। स्वतंत्र चर किस पर रखते हैं, ओ एक्स एक्सिस पर, आश्रित चर किसको पर रखते हैं, ओ वाई पर, तो स्वतंत्र चर कौन है, तो प्राप्तांक, तो प्राप्तांक कहां जाएगा, तो ओ एक्स एक्सिस पर, और विद्यार्थियों की संख्या जो आवृत्ति है वो कहां जाएगा, तो ओ वाई एक्सिस पर। अब देख लीजिए अंक ओ एक्स एक्सिस पर, स्वतंत्र चर और विद्यार्थियों की संख्या यानी आवृत्ति इस पर। अब इसको हम
पहले बिंदु दे देते हैं और बिंदु को हम रेखा से मिला देते हैं। अब यहां देखिए एक पैमाना दे दीजिए कि कितना आप लिए हैं, तो एक सेंटीमीटर बराबर 5 विद्यार्थी, यानी यहां से यहां तक दूरी 1 सेंटीमीटर 5 विद्यार्थी। इसको डबल करेंगे तो 10, ट्रिपल करेंगे तो 15, इस तरह से प्रत्येक 1 सेंटीमीटर पर हम काटते गए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर एक शख्स पर, यानी हर एक के डिफरेंस 10 अंक लाने वाले, 11 अंक लाने वाले, 12 अंक लाने वाले, यहां पर वो एक शख्स पर जो पैमाना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक बतला रहा है। अब इसको हम इससे सीधे लाइन खींच देते हैं, पहले इसका हम बिंदु तय कर देते हैं कि 10 अंक लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 के सामने बिंदु देंगे, फिर एक सीधे लाइन खींच देंगे। सुंदर बनाने के लिए आप इसको जो है दंड चित्र को आप चौड़ाई भी दे सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ लंबाई से यानी ऊंचाई से ही समझी जाती है। अब देखिए आवृत्ति आयत चित्र, आवृत्ति आयत चित्र में क्या है यह ध्यान दीजिए। अब आयत चित्र बनेगा किसका, जिसमें वर्ग अंतर हो, क्योंकि आयत में लंबाई के साथ चौड़ाई होती है और चौड़ाई जगह छेकती है, तो वर्गांतर में यही ना होता है 5 से 10, 10 से 15, यानी 5 से 10 तक एक अंतर पड़ा, उस अंतर को आप दो लाइनों से ही ढकेंगे ना, एक लाइन 5 पर दूसरा लाइन 10 पर, तो एक चौड़ाई वो बना देगा। तो इसमें वही है, यानी किसमें आएगा ये ध्यान दीजिए, आवृत्ति चित्र का संबंध खंडी श्रेणी से है, यानी इसके पहले जो आप बनाए ये खंडी श्रेणी से है, लेकिन आवृत्ति आयत चित्र का संबंध अखंडित श्रेणी से होगा, क्योंकि अखंडित श्रेणी में ही तो वर्गांतर होते हैं, ठीक है। अब इसमें इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आवृत्ति आयत चित्र का संबंध अखंडित श्रेणी से होगा, तो ऐसी स्थिति में आप किसको कहां रखिएगा यह भी तय कर लीजिए। तो जो वर्ग बनेंगे वो चूंकि स्वतंत्र चर होंगे, अतः उसको एक शख्स पर रखेंगे, और जो उनकी आवृत्तियां होगी वो आश्रित चर होगा, इस कारण वो बाह्य अक्ष पर चले जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं कि उस पर बिंदु दे करके और दोनों वर्गों का जैसे 5 और 10 लिखे, तो 5 से 10 के बीच में हम उसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे लंब से मिला देते हैं, चौड़ाई को भी OX के समानांतर और लंबाई को उस बिंदु से उस जो है मूल्य तक या तक जो है वर्ग तक हम मिला देते हैं। अब इसमें देखिए 4 प्रकार के हैं, वो आप ग्राफ पर समझ जाइएगा। पहला है समान वर्गांतर, असमान वर्गांतर, आवृत्ति आयत चित्र जब मध्य मूल्य दिए हुए हो, और समावेशी वर्गांतर वाले आवृत्ति चित्र। अब एक एक करके देखते जाइए, समान वर्गांतर यानी जिसका वर्गांतर समान हो, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, सब में तो 10 का डिफरेंस है, तो सब वर्गांतर समान, जैसे यहां हमने रख दिया है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, इनकी आवृत्तियां कितना है 0, 10 का 5, 10, 20 का 12, अब इसी को जैसे खंडित श्रेणी में रखे थे वैसे ही ग्राफ पर इनका भी बिंदु दीजिए, पहले वो आ जाएगा अपने जगह पर। अब इनको आवृत्ति आया चित्र पर हमने क्या किया, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब पहला वर्गांतर मेरा कितना था 0 से 10, तो इनकी दूरी छेकने के लिए ये चौड़ाई बनेगा ना, तो इस चौड़ाई को हम छेक लेते हैं कहां तक, तो 5 तक, तो 5 के बाद 10 के सामने तक हम चौड़ाई छेक करके और 10 से इसको हम लंबवत मिला देते हैं, ये एक आयत बन गया। अब दूसरा है 10 से 20 का 12, तो 10 से 20 फिर हम एक चौड़ाई यहां छेकेंगे, पहले 12 पर बिंदु देंगे, फिर 12 को 10 से 20 के समान चौड़ाई में मिला के या नीचे लंब से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये और इसका जो है ये हिस्सा इसमें हम जोड़ देंगे, इस तरह से ये सब एक दूसरे से आयत जितने भी हैं एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, ये ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या है कि एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब वर्गांतर समान होता है तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उसके वर्ग की आवृत्ति के अनुपातिक होगा, वर्गांतर समान है तो प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग की आवृत्ति के अनुपातिक होगा, जैसे यहां पर देख लीजिए वर्गांतर समान है 10-10 का है। अब हम मान लेते हैं कि 0 से 10 के को हम एक वर्गांतर मानते हैं या एक दे देते हैं चौड़ाई, तो इनकी कितनी हो जाएगी, आयत की क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 5 × 1 = 5 स्क्वायर मीटर या 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कुछ में भी आप मापिए, तो आवृत्ति भी 5 थी। अब हम ऐसे नहीं मान करके ये मान ले कि चलो हम इसको 10 से छोड़ देते हैं, तो अपर भी 15 50, इसका कितना हो जाएगा ये ध्यान दीजिए, 12 10 120,
तो 50 और 120 का ये दोनों आया चित्र में अनुपात पड़ा। अब इनकी आवृत्ति का अनुपात देखिए, 5 और 12, तो चाहे 5/12 कहें या 50/120 कहें, फर्क क्या पड़ता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात, आवृत्ति का अनुपात दोनों सेम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। अब नेक्स्ट चले, असमान वर्गांतर वाले आय चित्र जिसमें वर्गांतर असमान हो, तो असमान वर्गांतर वाले आय चित्र में किसी का वर्गांतर छोटा होता है, किसी का बहुत बड़ा होता है। पिछले क्लास में हमने ऐसी परिस्थिति में आपको समायोजन बताया था कि बड़े वर्गांतर वाले को हम समायोजित करेंगे। तो समायोजन में क्या है कि एक हम ये लेते हैं कि सी इंटू आवृत्ति वर्गांतर, ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला हमने बताया था। सी का मतलब क्या है, सबसे छोटा अंतराल, सबसे छोटा अंतराल ये फिक्स है, और बटे वर्गांतर जो आपका वर्गांतर है, तो सी में आवृत्ति से गुना करके हम वर्गांतर निकाल सकते हैं। अब यहां पर ये आंकड़े देखिए, ये दिखा रहा है 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 60, 60, 100। इसमें आप सबसे पहले छोटा चुनना है, तो छोटा के लिए हम पहले यह देखें चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। 10 20 में वर्गांतर कितना है, 10 का, 20 30 में 10 का, 30 40 में 10 का, 40 60 में 20 का, अंतर पड़ गया ना, असमान हो गया। और 60 100 में 40 का, तो 60 100 में आप इसको समायोजित करें। तो समायोजित के लिए या तो आप सूत्र से कीजिए या आप अपनी समझ से कीजिए। अब कहा गया है कि फॉर्मूला जो होता है वो अंधों की लाठी होती है। अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो आप फॉर्मूला पर आ जाइए, वो सॉल्व हो जाएगा। आप पता चल रहा है तो फॉर्मूला खुद उत्पन्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब उससे हम देखते हैं, पहले फॉर्मूला से देखते हैं। आपका फॉर्मूला क्या था, सी गुने आवृत्ति बटे वर्गांतर। सी सबसे छोटा बल है, तो सबसे छोटा वाला कौन है, 10 20 है ना, तो इसका वर्गांतराल कितना है, 10 का, ठीक है। तो हम यहां पर अगर हम करते हैं 10 गुने इनकी आवृत्ति, तो 5 मजदूरों की संख्या 5, यही आवृत्ति हो जाएगी। तो 10 गुने 5 अब बटे वर्गांतर 10। तो ये, तो इसमें हम ये ध्यान दीजिए पहले कि समायोजित करना किसको है, ये चीज एक छूट रहा था। समायोजित बड़े वाले को करना है, छोटा वाला को नहीं, छोटा जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए। क्योंकि समायोजित का मतलब क्या है कि बड़का छोटका के हिसाब से भी बड़का को हो जाना चाहिए, यही समायोजन है, समझ रहे हैं। तो अब ये देखिए कि बड़ा कौन है, 40 60। तो पहले हम छोटका को ले लेते हैं, सबसे छोटा वर्ग अंतराल, तो सबसे छोटा वर्ग अंतराल का कितना है, 10 इसका जो है अंतराल, तो 10 इसकी आवृत्ति कितनी है, सी, तो 40 60 की आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति इसका लेना है तो 40, तो 10 गुने 40 इसका वर्गांतर कितना है, तो 10। तो इसमें समायोजन में कितना आ जाएगा ये ध्यान दीजिए, तो 40/2 = 20। यानी हमको एक चीज ध्यान दीजिए कि समायोजन का मतलब यह है कि यहां पर 10 वर्ग अंतराल है और यहां पर 20 है। तो यह सब कहता है इससे कि यदि तुम भी 10 होते तो क्या होते, तुम्हारी आवृत्ति कितनी होती। तुम तो 20 के अंतर में हो, तुम 40 से 60 कवर कर रहे हो, तुमको कवर अगर तुम 40 से 50 कवर करते तो क्या होता। तो 40 से 50 तुम कवर करते कि नहीं करते ये मैं नहीं जानता हूं। हमको इसको दो भाग में तोड़ दो, आधा कर दो तुम अपना। अब तुम कैसे आधा करोगे, तो आधा कर दो तो तब तुम्हारा कितना रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास 10 ही का अंतर है, तुम्हारे पास 20 का है। तो यदि आधा हम इसको कर दें 10 के वर्गांतर में, तो यह 40/2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यानी समायोजन में इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी कितनी, 20। और इसमें कितना का अंतर आ रहा है, 3 वर्गांतर के बराबर, छोटे से है ना, तो 3 वर्गांतर के बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 60 40 60 40 के बीच में 40 का है अंतराल, तो ये 4 वर्गांतर में आ रहा है छोटा से। तो इसमें क्या करेंगे, 4 से भागा दे देंगे, इसमें 2 से भागा दे देंगे। और इस फॉर्मूले के आधार पर सी, अब तो जो है सबसे छोटा वर्ग अंतराल को ले लीजिए, तो इसका 10 और आवृत्ति कितनी है, तो इनकी 40, तो 40 × 400 और उसके बाद इनका वर्गांतर बटे 20, तो 400 में हम 20 से भागा देंगे तो फिर 20 इससे भी आ जाएगा, फॉर्मूले से भी आ जाएगा। तो हम इस प्रकार इनको हम समायोजित करते हैं, मतलब आनुपातिक बना देते हैं एक तरह से। अब इसके आधार पर क्या होता है कि ये ध्यान दीजिए कि इसके आधार पर इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे यहां देखिए, अब पहले इस समायोजन को देख लीजिए, तो समायोजन में क्या था,
कि अब इनकी समायोजित आवृत्ति हो गई 10 20 5 20 30 20 30 40 30 40 60 20 60 100 5। अगर हम आवृत्ति के आधार पर ऊंचाई ले तो आवृत्ति का अनुपात और क्षेत्रफल का अनुपात बराबर नहीं होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि इनकी चौड़ाई जो है इस समायोजित करने के बाद जब इनको हम ग्राफ पर रखते हैं तो इनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे ये देखिए 10 20 5 यहां तक तो ठीक है, 20 30 वाला कभी हमको समायोजित नहीं करना था, 30 40 को भी नहीं करना था, 40 60 तो 40 60 यहां से यहां आ गया। अगर हम 40 60 दसे पर लेते तब तो ये इनका जो है यहीं तक रह जाता ना समायोजित आवृत्ति, क्योंकि इनकी 20 है। समायोजित आवृत्ति को ये ध्यान दीजिए कितना है 20, तो 20 है और इसको 10 से चौड़ाई अगर 10 से रखते तो क्षेत्रफल तो सीधे आधा ना आ जाता, 20 दहा 200, तो इनकी पूरा अंतराल को हम चौड़ाई ले लिए तो अब क्षेत्रफल 20 20 नहीं है 400, यानी उसके अनुपात में ये चलते जाएगा। फिर इनका तो इनको जब समायोजित किए तो इनकी आवृत्ति 5 आई, लेकिन इनका अंतराल कहां से था 60 से 100 तक। अब इन सबका क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो बिल्कुल आवृत्ति के अनुपात में ये आ जाएगा, आप इसको करके देखिएगा। अब अगला देखते हैं, आवृत्ति आए चित्र मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु दिए हुए हो। अब तो यदि मध्य बिंदु दिए हुए हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मध्य बिंदु के आधार पर वर्ग अंतराल तैयार करेंगे। मध्य बिंदु के आधार पर वर्ग अंतराल तैयार करने का क्या सूत्र है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, यहां पर भी यह सूत्र फिर से मैंने दे दिया है। L1 वर्ग की निचली सीमा, L2 वर्ग की ऊपरी सीमा। L1 बराबर सूत्र था मिड वैल्यू एम बी यानी मध्य बिंदु माइनस इंटरवल बटे 2। अब इंटरवल को आप ढूंढिए कि इंटरवल कहां है, इंटरवल कितना होगा, तो इंटरवल आपको मध्य बिंदु से पकड़ाएगा। मध्य बिंदु कितना है 15 25 35 45 55 65 ओके, यानी हर के बीच में 10 का अंतर, ठीक है, तो 10 का अंतर है, इसका मतलब है कि इंटरवल 10 का ही जाएगा, तो 10 का इंटरवल जाएगा तो एम भी को रख देंगे तो 15 माइनस आई बटे 2, तो इंटरवल कितना कह रहा था 10 बटे 2, तो 10 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, एम भी कितना था 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी L1 हमारा आ जाएगा 10। इस तरह L2 में हम क्या करते हैं, यहां I बटे 2 घटा देते हैं, यहां I बटे 2 बढ़ा देते हैं, यानी 5 हम उसमें जोड़ देंगे तो 15 प्लस 5 बराबर 20, तो पहला वर्ग अंतराल क्या बनेगा 10 20, है ना। करना क्या है, बस बहुत आसान तरीका है, मिड वैल्यू में से इंटरवल बटे 2 घटा दीजिए लोअर वैल्यू के लिए, और L2 के लिए आप क्या कीजिए ऊपरी सीमा के लिए I बटे 2 को जोड़ दीजिए। इस तरह से बन गया ये 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 अपर जिस श्रेणी में मेरा तैयार हो गया, और आवृत्ति वही के वही सबका रह जाएगा। इसके आधार पर ये देखिए आवृत्ति आया चित्र ये तैयार हो जाता है, फिर तो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। यानी इसमें मूल काम क्या है, मिड वैल्यू को वर्ग अंतराल में बदलना। वर्ग अंतराल के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक मिड वैल्यू में से हम I बटे 2 को निचली सीमा के लिए घटा देंगे और ऊपरली सीमा के लिए I बटे 2 जोड़ देंगे। आगे हम आते हैं, आवृत्ति आए चित्र बनाओ। अब इसमें क्या है, ये अब दूसरी समस्या है, ये ध्यान दीजिए क्या है इसमें दिया हुआ 10 19 20 29 30 39 40 49 50 59, क्या यह है अपवर्जित श्रेणी में, नहीं समावेशी श्रेणी में है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसकी निचली सीमा नहीं है। अपवर्जित श्रेणी में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा उसकी निचली सीमा होती है। तो सबसे पहले नियम क्या है इसमें कि पहले समावेशी श्रेणी को अपवर्जी में बदलो, और अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निचली सीमा के अंतर को निकाल लेते हैं। तो प्रथम वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है 19, दूसरे वर्ग की निचली सीमा कितनी है 20, दोनों का अंतर कितना आएगा 1, और जो अंतर आता है उसको बटा 2 कर देते हैं, बटा 2 करने के बाद कितना आएगा 20 माइनस 19 बराबर 1, तो 1 बटा 2 बराबर 0.5, 0.5 जब कर देते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी निचली सीमा में से वो जो हमारा रिजल्ट आया उसको घटा देते हैं और ऊपरली सीमा में जोड़ देते हैं, यानी 0.5 10 में
दस दस में से घट जाएगा और 19 में जुड़ जाएगा। अब देखिए उसके आधार पर 10 में से घटेगा 0.5 तो 9.5 और 19 में जुटेगा तो 19.5। फिर यही प्रक्रिया अगला में भी करेंगे तो यहां भी 0.5 20 में से घटेगा तो 19.5, इसमें 0.5 जुटेगा 29.5, फिर अगला में इसमें 0.5 घटेगा 29.5, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। अब देखिए कि अपवर्जी श्रेणी में आ गया कि नहीं, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, दूसरे वर्ग की निचली सीमा, दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा, तीसरे वर्ग की निचली सीमा, बिल्कुल अपवर्जी श्रेणी में आ गया। अपवर्जी श्रेणी में आ गया, हमारी आवृत्ति तो दी हुई है ही। अब इसके आधार पर आप ग्राफ इजली आयचित्र बना सकते हैं, इस पर ज्यादा टाइम नहीं देंगे। अब अगला देखिए, यही था समावेशी वर्गांतर वाले। आगे देखते हैं आवृत्ति बहुभुज। बहुभुज में क्या है, पहले आयचित्र बना दीजिए और आयचित्र के मध्य बिंदुओं को आप मिला दीजिए। जैसे ये देखिए, इसमें दो तरह के है, आवृत्ति आयचित्र और बिना आवृत्ति आयचित्र। एक आवृत्ति के साथ आयचित्र और एक बिना आवृत्ति के। अब इसमें देखिए आवृत्ति आयचित्र द्वारा यह है आपका आंकड़ा। सबसे पहले इस आंकड़े को आप जो है सारणी में सजाइए। तो ये आंकड़ा है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट पहले ढूंढेंगे। सबसे लोएस्ट पॉइंट अब इसमें पहले ढूंढ लीजिए, सबसे लोएस्ट कहाँ है, थोड़ा समय लगेगा, तो लगता है 112 है। चलिए 112 है, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कितना है, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट 335 शायद है, या और इससे कोई बड़ा होगा, हमको नहीं लगता है कोई बड़ा होगा। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका जो है ये 112 है, या और सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है 335, यानी 100 से 350 के बीच में, सारे आंकड़े इसमें का है 100 से 350 के बीच में। तो आप इसको 50-50 के अंतराल में पांच वर्ग अंतराल बना दीजिए, सारे आंकड़े उसी में सम्मिलित हो जाएंगे। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब इनका हम मिलान चिन्ह जो नियम है वो वर्गीकरण का, उसको हम इसमें ले आते हैं। 100 से 150 के बीच में कितने हैं, तो खोजने पर ये चार आते हैं, चार हो गया, इनकी आवृत्ति चार, संचयी आवृत्ति चार। 150 से 200 ये भी छह, संचयी क्या हो जाएगा, जुटते जाएगा, चार छ दस। फिर 200 से 250 इनकी 13, 13 के लिए आड़ी तिरछी पता है ना, चार को तिरछा काट दीजिए तो पांच बन जाता है, तो पांच पांच दस तीन 13, 13 हो गया। अभी 13 जुड़ जाएगा इसमें, 13 10 23, इस तरह जुड़ते संचयी आवृत्ति आपका ये आ गया। अब इसके आधार पर आप देखिए आवृत्ति बहुभुज, ये आवृत्ति बहुभुज का निर्माण है। पहले आयचित्र बना लीजिए, ये इनकी आवृत्तियों के आधार पर, आवृत्तियों के आधार पर, नॉट संचयी आवृत्ति के आधार पर, ये ध्यान रखिएगा, इन आवृत्तियों के आधार पर आप बना लीजिए, और फिर प्रत्येक आयचित्र का मध्य बिंदु को मिलाते चल जाइए। जैसे यहां देखिए, यहां से हम लिए आयचित्र के मध्य बिंदु को, और कहता है यहां पर है साफ दिया हुआ कि अंत में प्रथम आयत और अंतिम आयत की ऊपरी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आधार रेखा से इस प्रकार मिला दिया जाता है कि आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति आयचित्र के क्षेत्रफल प्रथम और अंतिम ऊपर से मिलाते आइए, इनका इनका मध्य से, इनका इनका मध्य से, इनका इतना मध्य से, इनका इनका मध्य से, इस तरह से। अब इसमें एक चीज है जो आपके परीक्षा के लिए क्रिटिकल है, वो ये है कि पूछेगा कि क्या आवृत्ति बहुभुज के अंदर की जो एरिया है, क्या आय चित्र के एरिया के बराबर होता है? तो हाँ बराबर होता है, क्योंकि जितना जगह ये रेखा छोड़ती है, जैसे ये रेखा कटा, ये ध्यान दीजिए, तो ये जगह तो ये छोड़ दिया है इसने के, उतना ही ये दूसरे जगह ग्रहण करता है। देखिए यहां पर ये वाला एरिया ये ग्रहण कर लिया, आयत रहता तो ये वाला छोड़े हुए रहता ना, तो ये ग्रहण कर लिया। अंत में देखिए ना, ये साफ पता चल रहा है, आयत वाला तो लाइन यहीं तक है ना, आइए आ रहा है मिडिल पॉइंट पर, इसी तरह यानी जितना एरिया छोड़ता है उतना ही एरिया ग्रहण करता है। जैसे यहां देखिए, ये एरिया छोड़ दिया था, ये एरिया ग्रहण कर लिया, बिल्कुल दोनों सर्वांगसम एरिया है ना, क्योंकि मध्य बिंदु को काट रहा है। सर्वांगसमता टेंथ में पढ़े होंगे, नाइन्थ में, तो इस तरह से बनाते हैं। इसके बाद है आपका इसी ग्राफ को फिर दिखाया गया है दूसरे रूप में, हम दो दे दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, आवृत्ति आयचित्र और आवृत्ति बहुभुज का एक ही साथ है। अगला हम देखते हैं बिना आवृत्ति का आयचित्र, इसमें आवृत्ति नहीं है। अब बिना आवृत्ति का आयचित्र के लिए आप क्या कीजिएगा,
इसमें क्या कीजिए कि यह बताता है, यह ध्यान दीजिए कि बिना आय चित्र के, जिसमें आय चित्र कि आवृत्ति बहुभुज के लिए विभिन्न वर्गांतरों का पहले मध्य बिंदु लीजिए और इन मध्य बिंदुओं को भुजाक्ष पर तथा आवृत्तियों को कोटि अक्ष पर ले लीजिए। बिना आय चित्र का है ये ध्यान दीजिए, ये क्या है, बिना आय चित्र का। ये यहां पर थोड़ी सी उलझन है, बिना आवृत्ति का नहीं बल्कि बिना आय चित्र का। इसमें जो डेटा दिया हुआ है, आपको आंकड़ा दिया हुआ है, वो वर्गांतर में है, ये ध्यान दीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब वर्गांतर में है तो आय चित्र बन जाएगा ना, वर्गांतर में है तो आप वर्ग को घेरिएगा ना, वर्ग के दोनों सीमा जीरो से दस ले रहे हैं तो उसकी चौड़ाई को घेरना है ना, तो जैसे ही आप चौड़ाई दे दिए तो वो आयत बन जाएगा। तो उस चौड़ाई को हटाने के लिए क्या करें, तो मध्य बिंदु उसका ले लीजिए ना, तो जीरो से दस के मध्य बिंदु कितना होगा, पांच, जीरो प्लस टेन बाई टू। उसी तरह दस से बीस या जीरो से दस ये का मध्य बिंदु ये पंद्रह और दस से बीस का पच्चीस। तो अब इसको ये ध्यान में रखिए, तो इनका हम मध्य बिंदु ले लेते हैं। अब मध्य बिंदु जो है इसमें तो, और ये जीरो से दस का ये विद्यार्थी की संख्या पांच, दस से बीस का बारह, बीस से तीस का पंद्रह, तीस से चालीस का बाईस, चालीस से पचास का चौदह और पचास से साठ का चार है। तो अब इनका हम मध्य बिंदु कैसे लेंगे ये ध्यान दीजिए। तो इसमें ये दस से बीस का मध्य बिंदु कितना होगा, तो दस प्लस बीस बटा पंद्रह, तो यह आ जा रहा है पांच। बीस से तीस का तो बीस प्लस तीस बटे दो तो पच्चीस, तीस से चालीस सत्तर बटे दो पैंतीस। अब इनको हम यही इसी तरह रख दिए, जीरो है ना, उसके बाद पंद्रह, पांच, पंद्रह, पच्चीस, पैंतीस, ठीक है। तो इस तरह से हम रख दिए, पहला है, पहला मध्य बिंदु कितना होगा, इस आंकड़े में छूट गया है, पहला मध्य बिंदु जीरो से दस का कितना हो जाएगा, पांच है ना। तो पहला मध्य बिंदु को हमने पांच, पंद्रह, पच्चीस, पैंतीस, पैंतालीस, पचपन, पैंसठ, अब इस आधार पर बिंदु दे दिए सबका। पंद्रह का कितना है तो पांच, तो यहां बिंदु दिए। पच्चीस का तो बारह, पैंतीस का तो ये पंद्रह, पैंतालीस का तो बाईस और पचपन का तो चौदह और पैंसठ का चार। इनको हम यहां से मिलाते चले गए, किससे, रेखा से, वक्र से नहीं, यानी हर बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में एक रेखा होगी। नेक्स्ट आवृत्ति वक्र, अब वक्र यहां आ गया, अब रेखा छोड़ दीजिए, यानी खुले हाथ से, मुक्त हाथ से इसका निर्माण कर दीजिए। अब ये कैसे है ये देखिए, इस तरह से, यानी पहले आय चित्र बना लीजिए, आय चित्र बनाने के बाद उनके मध्य बिंदुओं को आप ऐसे ही हाथ से मुक्त रूप से इसको मिलाते चले जाइए। इसमें रेखा से मिलाना कोई जरूरी, रेखा से नहीं मिलाना है बल्कि एक तरह से ऐसे करके हम घुमाते चलाएं। अब इनका भी क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो आय चित्र का होगा, इसमें ज्यादा समय बर्बाद करना ठीक नहीं है, आगे बढ़े। ये दोनों एक ही साथ फिर दिखाया गया है, आवृत्ति वितरण से आयत वक्र और बहुभुज, इसमें आयत वक्र है और बहुभुज है, और ये देखिए आवृत्ति रेखा भी है, ये ध्यान दीजिए, ये आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र और आयत तीनों को दिखाया गया है, आवृत्ति बहुभुज भी है, आवृत्ति वक्र भी है और आयत भी है। अब ये ध्यान दीजिए, आयत इसमें आ गया, आयत के आधार पर हम क्या बनाए, आवृत्ति बहुभुज, जो देखिए ये लाइन से मिलाया हुआ है, रेड वाला लाइन से बिंदु बाय बिंदु मिलाया हुआ है, यानी रेखा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु। वक्र को हम डॉट डॉट से मिला दिए हैं, ये ध्यान दीजिए, देखिए वक्र डॉट डॉट से है, जो मुक्त है, जिसमें कोण कहीं नजर नहीं आता है। वक्र का मतलब क्या है कि कोण को हम समाप्त कर देते हैं, यानी कोण नजर नहीं, लेकिन जैसे ये देखिए इसमें इस लाइन में कहीं कोण नजर आ रहा है, कहीं कोण नहीं बनता है, लेकिन उसी क्या जगह पर अगर ये आप लेते हैं तो इसमें कोण नजर, हर टर्निंग पर एक कोण बनता है, जैसे यहां तो साफ पता चल रहा है कोण बन रहा है, लेकिन इसी चीज को जब इस पर लेते हैं तो यहां कैसे हम कहेंगे कि जो है कोण बन रहा है, क्योंकि ये तो वक्र के रूप में मूवमेंट है, फ्री हैंड है। चले अब हम आगे बढ़े, आवृत्ति आय चित्र, आवृत्ति बहुभुज और आवृत्ति वक्र तीनों एक में दिखाया हुआ है। अब इन तीनों के अंतर को हमने यहां दे दिया है, इसको आप याद करिएगा, पढ़िएगा। अब मूल जो है समझना उसको देखिए, संचयी आवृत्ति वक्र या ओजाई वक्र,
इसी को संचयी आवृत्ति वक्र भी कहते हैं, आवृत्ति वक्र या ओजाई वर्ग। अब इसमें क्या है कि इसमें दो रीति है, पहले भी पढ़ाए थे कि संचयी आवृत्ति में कितनी रीति है ओजाई वक्र में, तो ये दो रीति है, एक को हम कहते हैं से कम विधि और दूसरे को कहते हैं से अधिक विधि। से कम में क्या होता है ये ध्यान दीजिए, से कम में वर्ग की ऊपरी सीमा ली जाती है और से अधिक में वर्ग की निचली सीमा ली जाती है। जैसे अब यहां देखिए, बस इसी में थोड़ा सा माइंड लड़ा लीजिए, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय मैथ में आपका आ सकता है। यानी ये देखिए जीरो, ये है आपका वर्ग दिया हुआ, इसकी ये आवृत्तियां हैं। अब हमको पहले लेके चलना है से कम, तो से कम में आप कैसे दिखाइएगा, तो इसके आधार पर ही नहीं दिखाइएगा कि पांच से कम, जीरो से कम तो कोई रहबे नहीं करेगा, क्योंकि पूर्ण मान है, आवृत्तियां पूर्ण संख्या में है, तो जीरो से कम तो कोई है या नहीं है, तो वो आप नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो पांच से कम, तो पांच क्या है, वर्ग की ऊपरी सीमा है, निचली सीमा न जीरो है, तो इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को लेते हैं कि ऊपरी सीमा से कम, तो पहला हमारा बनेगा पांच से कम, दूसरा दस से कम, तीसरा इसकी ऊपरी सीमा पंद्रह, पंद्रह से कम, बीस से कम, पच्चीस से कम, तीस से कम, लिखते चले गए। अब पांच से कम तो जीरो से पांच के बीच में जो भी है, चूंकि यह अपवर्जी में है तो अपवर्जी में ऊपर वाला मूल्य शामिल नहीं ना रहता है, पांच छोड़ के रहता है, पांच से नीचे ही वाला ना, तो पांच से नीचे ही वाला जब रहता है तो इसका मतलब है कि ये चार जो विद्यार्थियों की संख्या है यह पांच से कम में है, तो पांच से कम में कितना हो गया चार। अब दस से कम, तो दस से कम में पांच से दस के बीच वाला छह गो तो है ये है, दस से नीचे वाला, और दस से कम ही पांचों वाला तो रहेगा। आपके पास पचास से कम है और मेरे पास सौ से कम है, ध्यान दीजिए आपके पास पचास रुपए से कम है और मेरे पास सौ रुपए से कम है। अब ये कोई पूछे कि सौ रुपए से कम रखने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो हम आप दोनों ना हो गए, तो वही नहीं यहां है। चार को पांच से कम, और छह को ऐसा था जो पांच तो उसके पास था लेकिन दस से कम था, तो दस से टोटल कम कितना हुआ, छह चार दस। पंद्रह से कम, तो अब छ चार दस आ दस बीस, फिर बीस से कम तो यहू दस आके जुट जाएगा तीस, फिर पच्चीस से कम तो ये पच्चीस आके जुट जाएगा पचपन। इस तरह से आवृत्तियां संचित होते होते टोटल संख्या के बराबर हो जाती है, यानी ये सौ था तो सौ के बराबर हो जाती है। अब ये ध्यान दीजिए, अब इसको ग्राफ पर ले लीजिए से कम का, अब इसी को हम रख देते हैं पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस, क्या से कम, तो पांच से कम कितना था चार, दस से कम पंद्रह से कम बीस से कम पच्चीस से कम तीस से कम पैंतीस से कम चालीस से कम, सबको बिंदु से दे करके इसको हम मिला देते हैं। ये आपका ये धनात्मक ढाल की रेखा करे होती है, यानी इसमें दोनों तरफ बढ़ते हैं, चूंकि से कम है तो ये दोनों तरफ बढ़ते चले जाएंगे, एक्स चर्बी और वाई चर्बी। अब ये दूसरा ग्राफ है से अधिक का, तो से अधिक में क्या करेंगे, निचली सीमा को लेंगे, जितना अधिक है से सब जीरो से अधिक है ना है, तो पहला वर्ग क्या बना जीरो से पांच, तो पहले हम लेंगे जीरो से अधिक, फिर लेंगे पांच से अधिक, फिर दस से अधिक, उसको इस आंकड़े से देख लीजिए, जीरो से अधिक तो सौ में सौ समूचा तो जीरो से अधिक है, फिर पांच से अधिक तो जब पांच से कम है उसको घटा दीजिए, तो पांच से कम कितना था, देखिए पांच से कम चार गो, तो चार के घटा दिए, तो इसमें सौ में से चार तो कितना बचा छियानवे। इसी तरह दस से कम तो दस गो, इसमें से छ घटा दिए क्योंकि ये पांच से दस के बीच में छ था, तो ये छ घटाए तो नब्बे। फिर पंद्रह से अधिक, सॉरी से अधिक, पंद्रह से अधिक तो इसमें से हम दस गो घटा दिए, दस क्यों घटाए क्योंकि ये दस से पंद्रह के बीच में होगा, ठीक है। अब बीस से अधिक तो इसमें से भी दस घटाए, पच्चीस से अधिक तो पच्चीस घटाए, तीस से अधिक तो बाईस घटाए, पैंतीस से अधिक तो पैंतीस से अधिक अब कितना बचेगा, ये ध्यान दीजिए, तो पैंतीस से अधिक इस आंकड़े के आधार पर अगर आते हैं तो पैंतीस से कम कितना था पंचानवे, तो अधिक पांचे गो ना, तो सौ में से हम पंचानवे को घटा देते हैं और इसके आधार पर हम ये ग्राफ बना देते हैं से अधिक, जीरो से अधिक, पांच से अधिक, दस से अधिक, पंद्रह से अधिक, बीस से अधिक, पच्चीस से अधिक, तो जीरो से अधिक में तो समूचा आ जाएगा, पांच से अधिक में जितना पांच से पहले वाला घट जाएगा ना, तो देखिए छियानवे पर आ गया, दस से अधिक तो दस से नीचे वाला जितना है वो घट जाएगा, यानी ये पॉइंट आ रहा है नब्बे के आसपास,
जो भी है आंकड़े के अनुसार, उसी तरह 20 से अधिक तो 70 घटते जा रहा है। तो चूंकि यहां पर देख रहे हैं कि यदि एक चर बढ़ रहा है बाई चर घटते जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि ये ऋणात्मक ढाल का हुआ, ये धनात्मक ढाल का और ये ऋणात्मक ढाल का, यानी से कम विधि धनात्मक ढाल का, से कम ऋणात्मक ढाल का। अब ये ध्यान दीजिए कि इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं से कम और से अधिक का, तो इससे एक निष्कर्ष मेरा निकल का आता है जिसको आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में पढ़ेंगे। ये बीच में हम कुछ प्रैक्टिस का भी दे दिए हैं, उसको आप खुद से बनाइएगा या उसके आधार पर ये बनाया हुआ भी है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों को हम ग्राफ एक ही ग्राफ पर ला देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि धनात्मक ढाल किसका था, तो से कम है ना, से कम। ऋणात्मक ढाल किसका था, तो से अधिक। ये दोनों जहां पर एक दूसरे से को काटते हैं उस बिंदु से एक लंब हम एक अक्ष पर खींचते हैं, और एक अक्ष पर जिस मूल्य के सामने वो आता है वह मध्यिका कहलाता है, ठीक है ना। तो हम वहां पर जहां पर ये काटता है लंब जहां पर गिरता है उतना ही, तो यहां 20 के सामने गिर रहा है तो इसकी मध्यिका 20 होगी। मध्यिका निकालने का यह आसान सा तरीका है। अब हम आवृत्ति आयचित्र और ऊंचाई वक्र में अंतर दे दिए हैं। इसमें देखिए एक चीज यहां पर ये खाली समझाना है, ये इसमें अभी हमने कहा कि ये मध्यिका होता है, ये हमने यहां पर लिखा हुआ है, ये किताब की भाषा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें मध्यिका का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए से कम से अधिक विधियों द्वारा ऊंचाई वक्र खींचकर उनके कटान बिंदु से एक एक्सिस पर लंब गिराया जाता है, कटान बिंदु से एक एक्सिस पर। कौन है से कम, जो धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक ढाल वाली से अधिक, कटा यहां से हम लंब गिरा दिए, वह जिस बिंदु पर मिलता है वही मध्यिका का मूल्य हो जाएगा। यहां पर मिला तो उस फिगर के अनुसार यहां 20 था, मान लेते हैं इस फिगर के अनुसार अगर 50 होगा तो मध्यिका बराबर 50। इस फिगर में देखिए इसमें क्या है, आयत चित्र में हम से बहुलक निकालते हैं। इसमें बहुलक कैसे निकालते हैं, तो यह ध्यान दीजिए, पहले ऊपर दाएं से ऊपर के एक सबसे ऊंची आयत चित्र के दाएं से, दाएं का मतलब आपका दाएं ना कि बोर्ड का दाएं, तो हमारा दाएं इधर है, तो ये दाएं से जो है सामने वाले आयत चित्र का तिरछा हम मिलाते हैं, ठीक है, उसके शीर्ष को। देखिए सबसे ऊंचे देखिए दाएं से सामने वाले के शीर्ष को मिलाते हैं, बगल वाले को, बाएं वाले का, दाएं से बाएं वाले का शीर्ष को मिलाते हैं, फिर इसी तरह बाएं सबसे ऊंचा वाले के बाएं से दाएं वाले का शीर्ष मिलाते हैं। समझ में बात आ रही है, सबसे ऊंचा वाला ये वाला ये चित्र है, इसका दाएं से इसके शीर्ष के दाएं से बाएं वाले के शीर्ष को मिला देते हैं, और सबसे ऊंचा वाला के बाएं से दाएं वाले के शीर्ष को मिला देते हैं। तो जब मिलाएंगे तो एक जगह पर काटेगा ना, और काटने वाले बिंदु से हम फिर एक अक्ष पर लंब खींचते हैं, वो लंब जिस मूल्य पर आकर गिरता है वह बहुलक कहलाता है, उसको हमें आप लिखा हुआ है, आप पढ़ के समझ लीजिएगा। यह चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब देखिए इसमें हम कुछ गृह कार्य दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बस ऑब्जेक्टिव हम बता दे रहे हैं। मध्यिका की गणना का आधार क्या है, अभी आप समझे थे, ऊंचाई वक्र में जहां एक दूसरे को काटता है उससे नीचे एक्स पर लंब, फिगर में देख लीजिएगा वही मध्यिका। एक ऊंचाई वक्र की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो मध्यिका। आवृत्ति आय चित्र के माध्यम से बहुलक, दाएं से बाएं पर लाए थे और बाएं से दाएं पर लाए थे, बहुलक। संचयी आवृत्ति के वितरण के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, ऊंचाई वक्र। और प्रैक्टिस के लिए तीन लघु उत्तरीय है और दो दीर्घ उत्तरीय है, इसके अलावे दो संख्यात्मक प्रश्न है आपका, ये आप बनाइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो संख्यात्मक प्रश्न आपका इसमें है वो है 13वां। अगर आप 13वां को ये बना लेते हैं, ये वाला प्रश्न अगर इसको आप बना लेते हैं, तो आप समझिए कि इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, यानी ये इसमें से अब कुछ बाकी नहीं रहेगा। अकेले से कम, अकेले से अधिक भी आप बनाना आसानी से सीख जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई चैप्टर के साथ। धन्यवाद।